दोस्तों, आज के समय में इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति जैसे कि प्रदूषण से लेकर वस्ती विस्फोट हमारे आसपास की दुनिया में काफी बदलाव ला रहे हैं। आज के समय में ये सारे पर्यावरण में बदलाव से लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, पूरा पर्यावरण धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, हमारी जैव विविधता समाप्ति के कगार पर है। मगर आज के हम इंसान तो जैसे कि ये पूरा पर्यावरण हमारे लिए ही है और हम ही इसके राजा या भगवान हैं, ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियकांत वगासिया और आप है एक्सपेंडर्स के साथ। आज के इस वीडियो में पर्यावरण और जीव सृष्टि के लिए एक संदेश है और खुद को भगवान मानने वाले इस इंसान की औकात क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हजार साल पहले इंसान दूसरे जानवरों की तरह एक तुच्छ जानवर था जो अफ्रीका के किसी कोने में बसता था। पिछले कुछ हजार सालों में उसने खुद को इतना बदला कि पूरे ग्रह पे राज करने लगा और यह पर्यावरण के लिए एक आतंक की तरह फैल गया। आज के दिन इंसान सर्जन और विनाश की क्षमता और अनन्य युवा के साथ भगवान बनने के कगार पर खड़ा है। दुर्भाग्य से इंसानों ने अब तक ऐसा बहुत ही कम उत्पादन किया है जिस पर हम गर्व कर सके। हमने अपने परिवेश, खाद्य उत्पादन, शहर निर्माण, साम्राज्य स्थापन और दूरदर्शी व्यापार तंत्र आदि में महारत हासिल कर ली है, लेकिन इससे क्या हमने दुनिया की पीड़ा कम की है? ऐसा जरूरी नहीं है कि समय के साथ साथ बड़े पैमाने पर बढ़ती मानव जाति और उसकी शक्तियों ने इंसानों की जिंदगी अच्छी की है, बल्कि उनसे विपरीत सामान्यतः दूसरे जीवों को बहुत ही कष्ट पहुँचाया है। पिछले कुछ दशकों में ही हमने कुछ हद तक अकाल, रोग व युद्धों को कम करके कुछ वास्तविक प्रगति की है। फिर भी दूसरे जानवरों की स्थिति पहले से बहुत ही तेजी से बिगड़ रही है और इंसानियत में सुधार भी बहुत ही क्षणिक और क्षणभंगुर होता है। इन सब के अलावा इंसान आश्चर्यजनक चीजें कर दिखाने में सक्षम है, उसके बावजूद भी हम हमारे लक्ष्यों के प्रति अनिश्चित रहते हैं और हमेशा की तरह असंतुष्ट भी रहते हैं। हम इंसानों ने छोटे नावों से लेकर जहाज और जहाज से आज स्पेस शटल तक विकास किया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास आज पहले से बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन उस पावर के साथ क्या करना उसके बारे में बहुत ही कम सुझाव है। और उनसे भी बुरी बात है कि आज इंसान काफी गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। भौतिक विज्ञान के नियमों के साथ हमारे बनाए देवता को हम साथ रखते हैं जिनसे हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हमारे कंफर्ट और आनंद के लिए हमारे आसपास के जानवर और पर्यावरण का संहार करते हैं, लेकिन उनसे भी हमें कभी संतोष नहीं मिलता। अब इन सब बातों से एक ही सवाल उठता है कि क्या असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार इस देवताओं की तुलना में कुछ भी अधिक खतरनाक हो सकता है? पता नहीं ये देवता क्या चाहते हैं। तो फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझावों को कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।